दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव गंभीर और आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। आज बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बरेली कार्यक्रम की। अखिलेश यादव अचानक बरेली आए थे, बरेली के हवाई अड्डे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। इस दौरान बरेली के पत्रकारों से बातचीत भी की थी। करीब 3 मिनट तक पत्रकारों से मुखातिब रहे अखिलेश यादव और इस दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगाए थे। मसलन कानून व्यवस्था फेल होने की बात कही थी। ये भी कहा था कि वर्तमान योगी सरकार पूर्व सरकारों के द्वारा कराए गए प्रोजेक्ट यानी कार्यों का केवल फीता काट रही है और सेल्फी ले रही है। लेकिन वही अखिलेश यादव जब बरेली से होकर मुरादाबाद पहुंचे तब पत्रकार वार्ता के दौरान कोई घटनाक्रम ऐसा घटा कि अखिलेश यादव के बाउंसरों ने ही पत्रकारों को मीडिया कर्मियों को उठा उठा कर फेंका। आरोप यह है कि पत्रकारों के संग इस कदर इस हद तक बदसलूकी की गई कि किसी के कैमरे टूटे, किसी के मोबाइल टूटे तो किसी पत्रकार को चोटें भी आई हैं। इस दौरान मुरादाबाद के होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान क्या क्या हुआ है उसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, हमारे पास भी पहुंचे हैं और वह वीडियो हम आपके भी पेश नजर करने जा रहे हैं। देखिए किस कदर हुई है पत्रकारों के साथ बदसलूकी मुरादाबाद के अंदर। जुड़िए हमारी इस खास रिपोर्ट से, देखते रहिए गंभीर न्यूज। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर किसी ऐप पर देख रहे हो तो उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। देखिए खास रिपोर्ट। क्या हुआ क्या हुआ? सवाल पूछा कभी आप पहले राइफल मारी हूँ फिर अगले चालों ने कहा कि तुम ये जान पूछ कर रहे हो। हमने कहा नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं, हमारा काम है बस। उसके बाद सारी मीडिया वालों को डाउट आके फेंका और भी चैनल के साथी थे, किसी के मोबाइल टूटे हैं, किसी के कैमरे टूटे हैं।